एक नए स्कैम के बारे में आपको बताता हूँ। चीकू ने कभी एक गाड़ी बुक करी है जिसकी 2 साल की वेटिंग निकल के आ रही है, और विद इन अ मंथ इनके पास कॉल आ जाती है कि गाड़ी अवेलेबल हो गई है, आप आके ले सकते हैं। और जैसे ही इंक्वायर करते हैं कि इतनी जल्दी गाड़ी कैसे मिल रही है, तो इनको बोला जाता है कि बायर जिनके नाम पे वाली गाड़ी एलोकेटेड थी उनका लोन अप्रूव नहीं हो पाया, इसलिए गाड़ी आपको दी जा रही है। ये भागे भागे जाते हैं, गाड़ी लेके आ जाते हैं। 3-4 महीने के बाद पता चलता है कि गाड़ी जो भी इनको दी गई थी वो ठुकी हुई थी, उसका बोनट फेंडर कोई भी पार्ट हो सकता है ठुका था, डेंटिंग पेंटिंग करके नई गाड़ी की तरह इनको पास ऑफ कर दिया गया है। अब ये वाला फ्रॉड इनके साथ क्यों हो गया, ये हड़बड़ी में गाड़ी लेके आ गए, ये सोच के इनके साथ बहुत बढ़िया हो गया। इनको बताया गया था बायर का लोन अप्रूव नहीं हो पाया इसलिए गाड़ी इनको दी जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ होगा, बायर ने पीडीआई में प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के टाइम पे यही जो चीजें थी कि गाड़ी ठुकी हुई है, पेंट कर रखी है या फिर कोई भी और डिफेक्ट है, इसको नोटिस करके गाड़ी रिजेक्ट कर दी है। अभी रिजेक्टेड गाड़ी वापस नहीं जाने वाली, किसी और इंसान को चिपकाई जाएगी जो कि एक्साइटमेंट में पीडीआई ढंग से नहीं करने वाला, और वो इंसान हमारे एग्जाम्पल में चीकू निकल के आ गया। तो जब भी आपको इतनी ज्यादा वेटिंग वाली गाड़ी इतने कम टाइम में मिल रही हो, हमेशा पीडीआई अच्छे से करा करिए, क्योंकि हो सकता है जितना लकी आप अपने आप को मान रहे हैं उतना लकी शायद नहीं निकले।